राजकीय पीजी कॉलेज धौलपुर में छात्र संघ चुनाव की मतगणना आज पुलिस प्रशासन की करीब सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। धौलपुर पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के सोनू कंसाना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय रोहतांग सिंह को 112 मतों से हराया। एनएसयूआई के सोनू कंसाना को 532 मत, निर्दलीय प्रत्याशी रोहतांग सिंह कुशवाहा को 420 और सूरज कंसाना को 387 मत प्राप्त। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अमरीश ने एबीवीपी के सौरभ देव को 123 मतों से हराया। महासचिव पद पर एबीवीपी के नवीन दुबे ने एनएसयूआई के रघुनाथ को 341 मतों से हराया और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई के आयुष शर्मा ने एबीवीपी के करण सिंह को 219 मतों से हराया। छात्र संघ चुनाव 2022 के परिणाम आज घोषित किए गए हैं। उसमें अध्यक्ष पद पर श्री सोनू और 112 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए श्री अमरीश जी 123 मतों के अंतर से विजयी घोषित किए गए हैं। महासचिव पद के लिए श्री नवीन दुबे 341 मतों के अंतर से विजयी हुए हैं और संयुक्त सचिव पद पर श्री आयुष शर्मा 219 मतों के अंतर से विजयी हुए हैं। उन सभी को आज प्रमाण पत्र विजयी घोषित होने के दे दिए गए हैं तथा सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको उनके पदों के अनुरूप शपथ ग्रहण करा दी गई है। मैं उन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा जो प्रत्याशी किसी भी कारण से पीछे रह गए उनके साथ भी जो उनके मत हैं उनके मतों के अनुरूप और सभी छात्रों की सेवा कर इसमें भेदभाव को त्याग कर इस महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी मिलजुल कर काम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैंने सभी को आशीर्वाद दिया है और उनके साथ मिलजुल कर इस कॉलेज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहें। मेरा नाम सोनू है, मैं छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया हूँ पीजी कॉलेज धौलपुर से। मैं कॉलेज में किसी भी प्रकार की समस्या होगी उसका समाधान करवाऊँगा, कैंटीन की व्यवस्था करवाऊँगा, खेलकूद के लिए जो भी ग्राउंड है उसकी साफ सफाई करवाऊँगा और किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान करवाऊँगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनावों में संपूर्ण जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना परचम लहराया है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि जिले के सबसे बड़े राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में अध्यक्ष पद पर सोनू गुर्जर 112 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अमरीश बघेल 123 मतों से एवं आयुष शर्मा 229 मतों से विजयी हुई। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी से अध्यक्ष पद पर रोहित शर्मा 39 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु सिंह 91 मतों से और संयुक्त सचिव पद पर अदिति कुमारी 26 मतों से विजयी हुई। इसी प्रकार राजकीय महाविद्यालय सरमथरा से सोनिया मीणा 1 वोट से, उपाध्यक्ष अक्रम खान 12 मतों से व संयुक्त सचिव पद पर सपना निर्विरोध हुए। कमला महाविद्यालय से अजय सिकरवार अध्यक्ष पद पर विजयी हुए। राजकीय विधि महाविद्यालय से महासचिव पद पर भूपेंद्र कौशल विजयी हुए। इसी प्रकार राजकीय कन्या महाविद्यालय से एनएसयूआई ने क्लीन स्वीप किया, वहां अध्यक्ष पद पर शिवानी शर्मा 104 मतों से, उपाध्यक्ष पद पर अंबिका कुशवाहा 74 मतों से, महासचिव पद पर भावना कुमारी निर्विदुर और सचिव पद पर दया सेन 74 मतों से विजयी हुई। संपूर्ण जिले में एनएसयूआई की शानदार जीत पर समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया। जिले के सैंपऊ उपखंड के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नीतेश कुमारी निर्वाचित हुई हैं। छात्र संघ चुनाव की मतगणना के उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल निर्वाचित घोषित हुआ है। मतों की गणना के बाद अध्यक्ष पद के लिए नीतेश कुमारी ने 87 मतों के अंतर से अपनी निकटतम प्रत्याशी एनएसयूआई की संजना परमार को 87 मतों के अंतर से पराजित किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, नीतेश कुमारी को 227 एवं परमार को 140 मत एवं मोनू को 43 मत प्राप्त हुए हैं व 19 मत पत्र अवैध घोषित किए गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर गौरव कुमार 51 मतों के अंतर से विजयी रहे हैं। गौरव कुमार ने अपने निकटतम प्रत्याशी शिवानी को 51 मतों के अंतर से पराजित किया है। गौरव कुमार को 168 मत, शिवानी को 117 मत एवं संगीता परमार को 95 मत प्राप्त हुए व 49 मत अवैध घोषित किए गए। इसी प्रकार महासचिव पद पर तुलसीदास ने जीत हासिल की है। तुलसीदास ने अपने निकटतम प्रत्याशी सनी मंडेलिया को 20 मतों से पराजित किया। तुलसीदास को 164, सनी मंडेलिया को 144 मत एवं अरुण कुमार को 82 मत प्राप्त हुए। साथ ही 39 मत अवैध घोषित किए गए। संयुक्त सचिव पद पर धारा सिंह निर्वाचित हुए हैं। धारा सिंह ने अपने निकटवर्ती प्रत्याशी प्रियंका कुमारी को 88 मतों के अंतर से पराजित किया है। धारा सिंह को 227 मत, प्रियंका कुमारी को 139 मत प्राप्त हुए एवं 63 मत अवैध घोषित हुए हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने विजेता पदाधिकारियों को शपथ
शपथ ग्रहण करवाई। साथ ही निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांव में लोगों के काफी नुकसान हुए हैं। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। शनिवार को पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव धनावली सहित मुतावली, करुआ, गांगवली कपुरा, रजई खुर्द, हरेरपुरा, गुड़ावली आदि करीब आधा दर्जन गांव का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित लोगों के बीच पहुंचकर गांव-गांव स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिना बारिश के चंबल नदी के पानी से आई बाढ़ ने किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, किसानों के खेतों में पसीने की कमाई से उगाई गई फसल चौपट होने से अनाज तथा चारे का संकट गहरा गया है। वहीं चारों ओर पानी का भराव होने से बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। गांव में पूर्व विधायक को मिली चिकित्सा टीम की तत्परता को देख उन्होंने सराहना की। इस दरमियान उन्होंने कहा कि समय रहते को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शीघ्र कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। उन्होंने चिकित्सा विभाग की टीम से कहा कि वह पूरे मनोयोग से घर घर लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। यदि किसी भी तरह की खामी हो तो चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मिलकर कर्मचारियों की टीम को बढ़ाया जाएगा। यदि दवा की कमी आएगी तो उसके बारे में भी अधिकारियों से बात कर पर्याप्त दवा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बाढ़ के दौरान किसानों की फसल में हुए नुकसान को लेकर कहा कि किसानों के लिए फसल में एक दाना भी नहीं बचा है। स्थिति में सरकार से किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। का अंतिम गांव है धनावली, यहाँ के वर्तमान सरपंच भी हैं यहाँ, और यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ नुकसान की अगर बात करते हैं तो एक किलो भी यहाँ फसल पैदा अब नहीं होगी। बहुत खराब स्थिति और ऑलमोस्ट इस पूरी पंचायत के यही हाल हैं, चाहे धनावली हो, चाहे मुतावली हो, चाहे बरपरा हो, चाहे करुआ हो, चाहे ये गंगोली के पुरे हों, सारी स्थिति बड़ी भयावह है। और ये मलेरिया वाले लोग आए हुए हैं और ये तत्परता काफ़ी दिखाई है विभाग ने, और मैं समझ रहा हूँ कि इतनी जल्दी शायद ही किसी और जगह पहुँचे होंगे। और ये बड़े मन से आए हैं ये लोग, और मैंने भी उनसे कहा है कि भाई किसी तरह से बीमारी नहीं फैले और आप यहाँ छिड़काव करें, और मात्रा अगर कम है और भी स्टाफ चाहिए तो हमें पीएमओ और सीएमओ साहब, जिसके भी आप अंडर में आते हैं, सबसे बात करके स्टाफ और भिजवा देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बाढ़ आई और जिस तरह से नुकसान हुए हैं, भयावह स्थिति हो सकती है। इस पर समय रहते अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर बीमारी ये बड़ा रूप ले सकती है। तो तत्परता ये लोग काफ़ी दिखा रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये छिड़काव करके इस समस्या का समाधान करेंगे। जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बराई गांव के पास शनिवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली का हुक टूटने से ट्रॉली पर सवार एक युवक की गिरने से मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दूसरे गंभीर घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की मौत के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए सब को लेकर रवाना हो गए। हादसे में घायल हुए युवक नेपाल सिंह पुत्र छत्र सिंह निवासी तिलौआ थाना नादनपुर ने बताया कि वह और गाँव का एक युवक रघुवीर बसेड़ी जा रहे थे। फसल के लिए कीटनाशक दवाई और दूसरा सामान लेने के लिए दोनों युवक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर घर से निकले थे। घायल ने बताया कि अचानक बराई गांव के पास ट्रॉली का हुक टूट गया, जिसमें ट्रैक्टर पर सवार दोनों युवक घायल हो गए। मौके से गुजर रहे लोगों की मदद से दोनों घायलों को धौलपुर जिला अस्पताल लाया गया। ट्रॉली के नीचे आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए युवक रघुवीर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में घायल के मृत घोषित किए जाने के बाद परिजन बिना शव का पोस्टमार्टम कराए उसे अपने साथ ले गए। वहीं हादसे में घायल हुए दूसरे युवक नेपाल सिंह का जिला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। कौन से गांव के रहने वाले? तुम्हारे आज क्या घटना हो गई आज? ट्रॉली का? तुम्हारे साथ कौन बैठा था? कहाँ जा रहे थे आप? कौन सी जगह की घटना है ये? पूरे गाँव के आसपास एमपी रंगीलाल रावत सर 108 पे कॉल आया कि बसेड़ी से रेफर है पेशेंट, एक ट्रैक्टर था जिसकी ट्रॉली का हुक टूट गया, और हम गंभीर हालात में दो पेशेंटों को लेके आए थे, जिसमें से एक पेशेंट डेड हो गया, एक की हालत अभी गंभीर है।
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के डांग क्षेत्र में स्थित बाबू महाराज के मंदिर पर वार्षिक जात का आयोजन 29 अगस्त को होने जा रहा है, जिसको लेकर मेले की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में अभी से लोग बाबू महाराज के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज शनिवार को दिन में निजामपुर गांव से एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर बाबू महाराज के दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान बाड़ी शहर थाना क्षेत्र के रास्ते में बाबू महाराज मंदिर से पहले रहे गांव के पास श्रद्धालुओं ने भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से मां सहित 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष और बच्चे घायल व चोटिल हो गए। घटना को देख मौके पर चीख पुकार मच गई। लोगों के साथ मंदिर दर्शनों को जा रहे स्थानीय राहगीरों की मौके पर भारी तादाद में भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे बाड़ी सर्किल CEO मनीष कुमार शर्मा ने तत्काल घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने एक 15 वर्षीय बालिका और 45 वर्षीय उसकी समेत एक 5 वर्ष के मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद सभी घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं घटना में मौत का शिकार हुई मां बेटी के शव को चिकित्सालय की शव गृह में पहुंचाया गया, जहां परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे को परिजन बिना पोस्टमार्टम कार्रवाई के ले गए और उसका दाह संस्कार कर दिया। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निजामपुर निवासी जयसिंह गुर्जर परिवारी जन कावड़ लेकर बाबू महाराज मंदिर पर जा रहे थे, जिसको लेकर परिवार के लोगों में उत्साह उमंग थी और गांव निजामपुर से सभी परिवारी जन बाबू महाराज मंदिर पर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। तभी बाबू महाराज मंदिर से पहले रहे गांव के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से बचाने के चलते ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से सड़क हादसे के नीचे दबने से 45 वर्षीय गुड्डी पत्नी जयसिंह गुर्जर, 15 वर्षीय रसीमा पुत्री जयसिंह गुर्जर के साथ 5 वर्षीय मासूम बालक मोहित पुत्र शैलेंद्र सिंह गुर्जर की मौत हो गई। वहीं हादसे में 18 वर्षीय पुत्री निहाल सिंह, 18 वर्षीय भीम सिंह पुत्र बनवारी निवासीगढ़ गांव निजामपुर के साथ 45 वर्षीय लीला पत्नी ओम प्रकाश निवासी गांव पोपनगर व 55 वर्षीय भगवती पत्नी मोहन निवासी गांव मोरोली को घायल अवस्था में बाड़ी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं सुक्को पुत्री शैलेंद्र के साथ 2 वर्षीय मासूम प्रिया पुत्री ऋषिकेश को चिकित्सालय के बच्चा बाड़ में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है और सभी घायल गुर्जर जाति के हैं। बाड़ी शहर के निजी मैरिज होम में महान गायक मुकेश की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर सुरों की राही ग्रुप द्वारा मथुरा पैलेस में एक संगीत संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के बाद हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरों के राही ग्रुप के लोगों ने अपनी अपनी संगीत में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा गर्ग ने किया। सबीर शाह ने बताया कि मुकेश को मैंने अपना आइडल माना है और उनके गाने सुनने के बाद ही मुझमें संगीत की कला जगी। मुकेश मेरे गुरु हैं। डॉक्टर गर्मा ने मुकेश के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा गाए गए गानों व अवार्ड के बारे में भी लोगों को बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी संगीतकारों ने मुकेश के चित्र पर सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को विराम दिया। कार्यक्रम के दौरान हरिओम बंसल, अंकुर गर्ग, मनोज मोदी, अरविंद सर्राफ, राजीव मंगल, राजकुमार गोयल, योगेश मोदी, मोहर सिंह, रश्मि सत्यम, अनिल दीक्षा मंगल, माधवी बंसल, सुमन बंसल, राजीव बंसल, मनीषा मोदी, प्रमोद मित्तल, राधा गर्ग सहित अन्य ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के परशुराम कॉलोनी स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम के प्रांगण केंद्र पर दादी प्रकाश मणि की 15वीं स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बाड़ी सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी B.K. अंबिका बहन ने दादी जी की विशेषताओं के बारे में बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि दादी जी की एक बल एक भरोसे में अटल थी। दादी जी कर्मों के बंधन से मुक्त सदा निर्विलिप्त और न्यारी रही कि वे अंबिका बहन ने कहा कि हमारी प्यारी दादी जी मान अपमान निंदा स्तुति में हमेशा समान रही। इस अवसर पर दादी के संस्मरण सुनाते हुए B.K. अंबिका बहन ने कहा, दादी जी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती थी, सदैव खुश और संतुष्ट होकर रहती थी। उनसे कोई भी नाराज नहीं होता था, अपने सदैव निमित और निर्माण बनकर निर्मल वाणी से सबको अपना बना लेती थी। B.K. रेणु बहन ने बताया कि दादी जी गंभीरता और निर्मलता के गुण से परिपूर्ण थी। जैसे मम्मा कुमारी होते हुए भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता की खान थी। इस अवसर पर B.K. प्रति बहन ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि दादी जी हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली थी। भारती बहन और निकिता बहन ने दादी जी को गीत प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि दी। B.K. अंबिका बहन, B.K. रेणु बहन, B.K. प्रियंका बहन, B.K. प्रति बहन, B.K. राखी बहन, B.K. सुलेखा बहन ने दादी को पुष्पांजलि अर्पित की।